नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 9322 कर्मियों को किया जाएगा पदस्थापित। इस अवधि में बीएड कंप्लीट करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। वज्रपात की वजह से 4 लोगों की गई जान, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। यूपीएससी 66 टॉपर सुधीर की बहन ने कही दिल छू लेने वाली बात। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना की बहाली प्रक्रिया इस दिन से होगी शुरू। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 9322 कर्मियों को किया जाएगा पदस्थापित। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न पदों पर कुल 9322 कर्मियों का चयन किया है, जिनमें 579 काउंसलर और 8517 ANM शामिल हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इसके साथ ही जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर के 26 पदों पर भी चयन किया गया है। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पर 6 और साइकेट्रिक सोशल वर्कर के 4 पदों पर नियुक्ति की गई है। इसके अलावा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर पूरे राज्य में 190 कर्मियों का चयन किया गया है। 2020 और 2021 में निकाली गई विज्ञापन के आलोक में 9322 कर्मियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसी माह के अंत तक विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में इन्हें पदस्थापित किया जाएगा। इस अवधि में बीएड कंप्लीट करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। खासकर जिन लोगों ने 2019 तक अपना बीएड कंप्लीट कर लिया है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में छूटी हुई नियोजन इकाइयों को नियोजन प्रक्रिया पूरी करने से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 26 अगस्त तक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि वैसे STET 2011 पास अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने 26 सितंबर 2019 तक बीएड की परीक्षा पास कर ली है, वो इसमें शामिल हो सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन सभी से आवेदन मिलने के बाद मेधा सूची में उचित स्थान देते हुए 3 अगस्त 2022 से मेधा सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुचर्चित सृजन घोटाले को लेकर कोर्ट ने CBI को दिया ये आदेश। बिहार के बहुचर्चित घोटाला सृजन घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट ने CBI को अहम निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने CBI के निर्देशों को आदेश दिया है कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी की जाए, साथ ही इसके लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन करें। यही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने CBI को सृजन मामले में अब तक हुई जांच पर 3 सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीते दिन इस पर सुनवाई की और कहा, मामला गंभीर है, आखिरकार सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपये सृजन नाम की संस्था के पास कैसे पहुँच गए। वज्रपात की वजह से 4 लोगों की गई जान, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। इस साल मॉनसून का महीना बिहारवासियों के लिए बहुत ही महंगा पड़ा है। 1 और 35 जिलों में सूखा, दूसरी ओर निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और वहीं वज्रपात से लोगों की जा रही जान झकझोर देने वाली है। बीते दिन 6 लोगों की ठनका की चपेट में आने से जान चली गई। इनमें से 4 लोग नवादा जिले के रहने वाले थे और 1 बांका के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकाशीय बिजली की वजह से जान गंवाने वाले सभी मृतकों के प्रति शोक जताया है और सभी मृतकों के परिजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने परिवार वालों को जल्द से जल्द 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को इतना देना होगा शुल्क। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा जल्द ही हो सकती है। इसके पहले नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों को एक नया अपडेट दिया गया है। दरअसल नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को कितना शुल्क जमा करना है, इसकी जानकारी सामने आई है। नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 4000 नामांकन शुल्क देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को केवल 2000 नामांकन शुल्क के तौर पर देने होंगे। डिप्टी मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 4000 और आरक्षित कोटे के उम्मीदवारों को 2000 देने होंगे। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के साथ साथ नगर पंचायत और नगर परिषद के पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों का नामांकन शुल्क भी तय किया है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन मल्टी मॉडल हब के रूप में होगा विकसित। पटना मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर 2 का अंतिम स्टेशन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन पटना में मल्टी मॉडल हब के रूप में दिखेगा। इसका संपर्क सीधा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से होगा। यह परिवहन प्रणालियों के मल्टी मॉडल सुविधा प्रदान करने वाला स्टेशन होगा, जो कि 2025 में बनकर तैयार होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर 2 के 6.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। इनमें मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, जीरो माइल और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, खेमनी चक मेट्रो स्टेशन, कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 दोनों के बीच इंटरचेंज स्टेशन होगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की ओर से बीते दिन यह जानकारी दी गई है।
बीपीएससी 66th टॉपर सुधीर की बहन ने कही दिल छू लेने वाली बात। बीते दिन देर शाम बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के फाइनल रिजल्ट की घोषणा की, जिसमें बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले सुधीर कुमार ने टॉप 1 रैंक हासिल किया, जिसके बाद इनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं इनकी बहन ने दिल छू लेने वाली एक बात कही है। दरअसल सुधीर की दो बहनें हैं। बहनों ने बताया कि रिजल्ट आने के बाद जब सुधीर ने फ़ोन कर बताया कि टॉप किया हूँ, तो खुशी से हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। हमें लग रहा था कि हम टॉप कर गए हैं। उनकी बहन प्रतिभा कहती है कि सुधीर हमें डोरेमोन कहता है, पढ़ाई में कभी समझौता नहीं करता था, हमें रक्षाबंधन से पहले रक्षाबंधन का गिफ्ट मिल गया है। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना की बहाली प्रक्रिया इस दिन से होगी शुरू। केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई अग्निपथ योजना के तहत बिहार में भी सेना की भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए हाल ही में ऑनलाइन एग्जाम भी लिया गया था। अब इसकी बहाली प्रक्रिया 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली है, जो कि कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस भर्ती रैली में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि बिहार के 7 जिले में ये भर्ती होगी। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिला शामिल है। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। बता दें कि 18 सितंबर से अभ्यर्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इससे जुड़ी विशेष जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जरूर विजिट करें। बिहार के अधिकांश जिलों में भूजल स्तर में आई गिरावट। इस साल बिहार में मानसून कमजोर होने की वजह से 40% कम बारिश हुई है, जिससे बिहार के लगभग 35 जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से बिहार के क्षेत्रों के भू जल स्तर पर इसका असर पड़ा है। वहीं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग की ओर से संग्रहित किए गए आंकड़े चिंताजनक है। 374 प्रखंडों में जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं, उसमें से 368 का भू जल स्तर काफी नीचे गिर गया है। 3 मीटर से लेकर 9.5 मीटर तक भू जल स्तर नीचे चला गया है। कई जिलों की स्थिति चिंताजनक है। सबसे अधिक समस्तीपुर में 9.5 मीटर भू जल स्तर नीचे चला गया है। नालंदा में 8 मीटर, वैशाली और सीतामढ़ी में 7.5 मीटर, पटना में भी भूजल स्तर 6 मीटर से अधिक नीचे चला गया है। कोसी और सीमांचल इलाकों में स्थिति थोड़ी बेहतर है। बिहार से रांची जाने वाली इस रूट पर इन ट्रेनों का परिचालन बहाल। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, हावड़ा से लेकर देहरादून तक सफर करने वाले, भोजपुर और उसके आसपास के रेल से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा और देहरादून के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 12327 या 12328 हावड़ा देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस अब आड़ा स्टेशन पर भी रुकेगी। आगामी 7 अगस्त से प्रायोगिक तौर पर 6 महीने के लिए 2 मिनट का ठहराव दिया जा रहा है। इसके अलावा रांची 54 एक्सप्रेस और संतरागाछी अजमेर एक्सप्रेस का परिचालन भी बहाल किया जा रहा है। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पिछले दिन भी कई ट्रेनों का परिचालन पुनर्बहाल किया गया है। तेजस्वी यादव का सरकार पर सीधा वार, देश की संपत्ति बेच रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की आय बढ़ाने के बजाय देश की संपत्ति बेच रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ट्वीट करते हुए लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर और ज्वलंत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने के बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आमजनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। रईस खान ने तेज प्रताप से की मुलाकात, सियासी हलचल शुरू। हाल ही में राजद के दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेगम हिना शहाब ने राजद का दामन छोड़ दिया, जिसके बाद राजद इस सीट के लिए उम्मीदवार की तलाश में लगी हुई थी और शायद राजद की ये तलाश पूरी हो गई है। शहाबुद्दीन के परिवार से नजदीकियां खत्म होने के बाद राजद ने शहाबुद्दीन के परिवार के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर माने जाने वाले रईस खान से आरजेडी और लालू परिवार की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिन लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बीते दिन रईस खान से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारे में इसकी चर्चा तेज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज के लिए शेड्यूल हुआ जारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम इसी साल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज और इतनी ही मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। यह सीरीज एशिया कप 2022 के बाद और ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले खेली जाएगी, इसलिए यह सीरीज टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 10वीं और 12
12वीं के डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन की आज है अंतिम तारीख। साल 2023 में 10th और 12th का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं और 12वीं के डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन की आज आखिरी तारीख है। जिन विद्यार्थी ने डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है उनके लिए आज अंतिम तारीख है। इन डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद उन्हें ठीक से चेक कर लें और अगर कहीं कोई गलती है तो समय रहते स्कूल को सूचित करें। स्कूल द्वारा सूचना बोर्ड तक पहुँचाई जाएगी। बिहार में लगातार तीसरे दिन आए कोरोना के 200 से कम मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड 19 के 19,893 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.49% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 53 है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 167 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 59 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 109,140 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 301 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धीरज उपाध्याय, कुलदीप कुमार, कुश कुमार यादव, अश्विनी कुमार, करीम खान, राजकुमार प्रसाद, नितेश कुमार, विमल कुमार, जुगेश कुमार और लक्ष्मण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में विराट कोहली का विकल्प मिल गया है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।